हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आई होप ऑल ऑफ विल बी फाइन एट होम, स्टे सेफ। हियर वी आर डूइंग इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। देखिए बेटे, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था कि एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन एडी फॉल्स शॉर्ट फ्रॉम एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो थी आपकी डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है? व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप पैदा होता है, ठीक है, और एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप पैदा होता है, जो कि दोनों ही सही नहीं है। बोथ आर नॉट गुड, दे आर नॉट वर्चुअस, बट दे आर वीशियस। विशेष यानी कि बेकार। तो दोनों ही खराब सिचुएशन है, बेकार सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। तो इसीलिए अब हमें उन दोनों सिचुएशन को करेक्ट करना है। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मेजर्स टू करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, कि हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे सही करें। भाई, किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री को बिजनेस साइकिल से बचाने के लिए। बिजनेस साइकिल समझते हैं ना आप, अप एंड डाउन। तो बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल से बचाने के लिए वी नीड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटे सफर करती है जब इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप आता है या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आती है। तो हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी में कंटिन्यूअस रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए इन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करना पड़ता है। अब इन्हें कौन सही करता है बेटे? तो इन्हें देश की गवर्नमेंट सही करती है थ्रू फिस्कल पॉलिसी के जरिए। किसके जरिए? फिस्कल पॉलिसी के जरिए। और साथ ही साथ देश का जो सेंट्रल बैंक होता है विच मीन्स आरबीआई, उसे सही करना पड़ता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई पॉलिसी बेटे, ठीक है। मनी वाले लेसन में और बैंकिंग वाले लेसन में हमने मनी सप्लाई पढ़ा था। तो मनी सप्लाई पॉलिसी के जरिए या मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए आरबीआई बोल लीजिए या देश का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसे आप बोल लीजिए, ठीक है। तो देश का सेंट्रल बैंक सही करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और गवर्नमेंट सही करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। नाउ पहले अब हम देखते हैं व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, क्या होती है फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी इज द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेटे गवर्नमेंट रिवेन्यू भी अर्न करती है टैक्सेस वगैरह के थ्रू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, चलान वगैरह काट दिए इनके थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है बेटे। तो रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की जो मिक्स्ड पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसे हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बजट वाला लेसन जब आएगा तो हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट बेटे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के अनुसार उनके अकॉर्डिंग अपने खर्चों को इंक्रीज या डिक्रीज करती है और इसी तरह अपनी रिवेन्यूज को भी इंक्रीज और डिक्रीज करती है। सो रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी होती है। अब इस फिस्कल पॉलिसी के कॉम्पोनेंट देख लीजिए या एलिमेंट देख लीजिए। कॉम्पोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के कॉम्पोनेंट हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा है सबसे पहला? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो भाई गवर्नमेंट खर्चे करते हैं बेटे। गवर्नमेंट इज अ सोशल वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट इज ए सोशल वेलफेयर एजेंसी। तो गवर्नमेंट अपने खर्चे करती है। गवर्नमेंट के खर्चे अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट मेक एक्सपेंडिचर ऑन द मेकिंग ऑफ रोड, डैम, पुल, ब्रिजेस। रोड, डैम, पुल, ब्रिजेस, इन सबको करने में गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है। गवर्नमेंट बेटे अपना खर्चा एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम पर करती है, एजुकेशन एंड वेलफेयर, बिकॉज गवर्नमेंट इज अ सोशल वेलफेयर एजेंसी एंड इट्स मेन पर्पज इज फॉर द वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। देश के लोगों का भला करना, उनकी भलाई करना इसका मेन मोटिव होता है। तो पब्लिक वेलफेयर करती है ये, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर।
ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं उसमें ये खर्चा करती है, अपनी आर्मी हो गई हमारी, डिफेंस सेक्टर हो गया, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कानून और नियम को बनाना भी तो इनका ही काम है। गवर्नमेंट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इज वेल, रूल्स रेगुलेशन तैयार करती है, तो इन सब में खर्चा लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है प्रोवाइड कराकर इसे, गवर्नमेंट राशनिंग करती है, राशन पे सामान बांटती है, गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवाती है, हॉस्पिटल खुलवाती है, इन्हें पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम कहते हैं। तो आपको समझ आया कि गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट हैज, और ये सारे खर्चे करने से सामने वाले को इनकम मिलती है, दे आर अर्निंग द इनकम, वो इनकम कमाते हैं वैसे। तो अब देखिए ये थे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको पता लग गया। अब आपको ये डिसाइड करना है बेटे, माइंड को ओपन कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट आपको समझ आया बाकी ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चला जाएगा वो अच्छे से, तो अच्छे से देखिएगा कि कब एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे और कब हम घटाएंगे। सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर कौन कौन से करती है गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बताया, रोड, डैम, पुल, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, सब्सिडीज देना, राशनिंग करना, अपने आर्मी पर खर्चा करना, अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना, ये सब गवर्नमेंट के खर्चे हैं। अब देखिए दो सिचुएशन ले लीजिए, फर्स्ट इज इन्फ्लेशन एंड अनदर इज डिफ्लेशन। अब आपको डिसाइड करना है, यू नीड टू डिसाइड कि इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, इन खर्चों को बढ़ाएगी या घटाएगी, और डिफ्लेशन में इन खर्चों को बढ़ाएगी या घटाएगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है व्हेन प्राइस इज कंटिन्यूअसली राइजिंग, लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज डिमांड इज सो हाई। डिमांड क्यों इतनी हाई है? बिकॉज पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी, लोगों के पास पैसा इतना ज्यादा है कि वो डिमांड करते ही जा रहे हैं, यानी हमें लोगों के पैसे को कम करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? अब बताइए इन खर्चों को घटाकर। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट रिड्यूसेस द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रिड्यूसेस द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर देगी। कम करने का मतलब क्या है कि अब सामने वाले को इनकम मिलेगी ही नहीं, सामने वाला इनकम कमाएगा ही नहीं, तो डिमांड कहां से करेगा? डिमांड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं प्रोडक्ट तो उसके प्राइस घटने शुरू होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, जो लगातार प्राइस बढ़ रहे थे आपके वो नीचे जाने शुरू होंगे, एंड द इन्फ्लेशन इज कॉम्बैटेड, इन्फ्लेशन इज कॉम्बैटेड। इन्फ्लेशन में हम क्या करेंगे? अपने खर्चों को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द डिफ्लेशन। डिफ्लेशन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है व्हेन द प्राइस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, प्राइस बहुत ज्यादा घटते जा रहे हैं। क्यों घटते जा रहे हैं? पीपल डज नॉट डिमांड एनीथिंग, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है डिमांड करने के लिए, मार्केट में पैसा ही नहीं है, कैश ही नहीं है, तो डिमांड कहां से करेंगे? यानी कि हमें मार्केट में पैसा भेजना है, इंजेक्ट करना है रुपए को, वहां पर इंजेक्ट करना है हमें रुपए को। कैसे करेंगे? इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर खर्चा करेंगे, स्कूल खोलेंगे, बिल्डिंग्स खोलेंगे, सब्सिडीज बांटेंगे, अपना ज्यादा से ज्यादा खर्चा करके रोड बनाएंगे, पुल्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, जो सड़कें बनी हुई है अच्छी पक्की उन्हें भी तोड़ फोड़ के दोबारा बना देंगे ताकि लोगों को काम मिले और पैसा जाए मार्केट के अंदर। तो बेटे डिफ्लेशन में वी विल इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहला पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी का पहला कॉम्पोनेंट। सेकेंड है टैक्सेस। तो बेटे पहला था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट खर्चा करती है, सेकेंड है टैक्सेस जिससे कि गवर्नमेंट अपनी टैक्स कलेक्शन करती है, अपनी रिवेन्यू करती है। टैक्स की डेफिनेशन क्या है? वेरी सिंपल डेफिनेशन है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज। तो टैक्स एक ऐसी कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी यानी कि जरूरी, स्टैट्यूटरी है, टैक्स नहीं पे करोगे पेनल्टी लग जाएगी, आपके ऊपर केस भी बन सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको धर लेगा, आपको दबोच लेगा, आपको जेल में डाल देगा। तो इसीलिए आपको इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स को पे करना पड़ेगा। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज टू द गवर्नमेंट। तो ये कंपल्सरी पेमेंट होते बेटे, तो टैक्स के स्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट बदलाव करती रहती है ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। अब उनकी प्रायोरिटी देखी जाती है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है।
गवर्नमेंट देखती है भाई इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है या डिफ्लेशन का दौर चल रहा है। अगेन अब आपको डिसाइड करना है कि टैक्सेस को हम कब बढ़ाएंगे और कब घटाएंगे। तो अगेन टैक्सेस के लिए भी आपके पास दो सिचुएशन आ चुकी है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। टैक्सेस की मैंने आपको मीनिंग बता दी है, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रीज टू द गवर्नमेंट, राइट। अब देख लीजिए क्या करना चाहिए हमें। इन्फ्लेशन मैं बता चुका हूं एक कैसा दौर होता है जहां प्राइस बहुत हाई है क्योंकि लोग डिमांड बहुत हाई कर रहे हैं। डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास इनकम बहुत ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन के टाइम में हम टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे, वी विल इंक्रीज द टैक्सेस, वी विल इंक्रीज द टैक्सेस। तो बेटे 5% अगर टैक्स है तो उसे बढ़ाकर हम 10 या 15% कर देंगे। इससे होगा क्या, जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, डिस्पोजेबल इनकम होगी वो घट जाएगी, लोगों की इनकम घटेगी क्योंकि टैक्स उन्होंने ज्यादा पे किया है। सिंपल सी बात है, पहले 100 रुपए में 5 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, अब 10 रुपए पे कर रहे हैं। पहले उनके पास 95 बचते थे खर्च करने के लिए, अब केवल 90 बचेंगे। तो सिंपल सी बात है कि उनका अब जो खर्चा है, डिमांड है, वो घटेगी। डिमांड अब वो कम करना शुरू करेंगे तो डिमांड जब डाउन होना शुरू हो जाएगी तो गुड्स के प्राइसेस, क्योंकि हाई डिमांड हाई प्राइसेस, लो डिमांड लो प्राइस, तो डिमांड घटना शुरू हुई, प्राइसेस भी घटने शुरू हो जाएंगे एंड द इन्फ्लेशन will be combated, inflation will be controlled. तो control कर लेंगे हम inflation को definitely. आ गया है ये deflation का दौर। तो deflation का period या deflation का दौर एक ऐसा दौर है जहां price बहुत down हो गए हैं। क्यों? लोग demand ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? पैसा ही नहीं है लोगों के पास, सिंपल सी बात है। तो जब ऑलरेडी उनके पास पैसा नहीं है तो भाई कैसे ना कैसे उन्हें पैसा देना पड़ेगा। कैसे आप दे सकते हो उन्हें पैसा? भाई टैक्सेस को डिक्रीज करके, ठीक है, टैक्सेस को घटाकर। तो डिफ्लेशन में हम टैक्स को डिक्रीज कर देंगे। तो मान लीजिए अगर टैक्स की रेट 15% है तो उसे हमें घटाकर 8% करना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स को जब हम घटा देंगे तो पीपल आर लेफ्ट विद द मोर डिस्पोजेबल इनकम। लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी जिससे वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं। खर्च ज्यादा करेंगे यानी कि डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे यानी कि प्राइस बढ़ने शुरू होंगे और जो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन है उसे हम कॉम्बैट कर लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे। बेटे टैक्सेस दो पॉइंट हो चुके हैं फिस्कल पॉलिसी के। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थर्ड है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग रेफर्स टू बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू जनरल पब्लिक, जब गवर्नमेंट आम जनता से, जनरल पब्लिक से बोरो करती है, उधार लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक बोरोइंग कहते हैं। बेटे गवर्नमेंट कैसे उधार लेगी? लोगों से, लोगों में डिबेंचर बॉन्ड शेयर्स वगैरह इशू करके, ठीक है, लोगों के बीच बेटे डिबेंचर या बॉन्ड इशू कर देगी जिससे कि लोग उस डिबेंचर या बॉन्ड को खरीदेंगे, ठीक है। तो खरीदेंगे तो पैसा देंगे बेटे, और गवर्नमेंट इनको फिर बेच भी सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट बेच भी सकती है और परचेस भी कर सकती है वापस, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि भाई पब्लिक बोरोइंग जो है उसे रिड्यूस कब करेगी गवर्नमेंट और बढ़ाएगी कब, ठीक है। पब्लिक बोरोइंग आपको पता लग चुका है, व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जब गवर्नमेंट जनरल पब्लिक की आम जनता से बोरो करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक बोरोइंग कहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, दो सिचुएशन आपके पास है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब आपको डिसाइड करना है पब्लिक बोरोइंग को हम कब इंक्रीज करेंगे और कब डिक्रीज करेंगे। तो सिचुएशन मान लीजिए दिस इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, मार्केट में इन्फ्लेशन है, प्राइस बहुत हाई है बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग मोर, क्योंकि उनके पास इनकम बहुत हाई है, तो उनकी इनकम या उनके पैसे को हमें कम करना है, मार्केट से लिक्विडिटी को हमें सोखना है, सोक्ड करना है, कैश को खत्म करना है। तो क्या करेगी गवर्नमेंट? विल इंक्रीज द पब्लिक बोरोइंग, ठीक है, इंक्रीज कर देगी पब्लिक बोरोइंग को इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, लोगों से ज्यादा उधार पैसा लेना शुरू कर देगी जिससे कि मार्केट में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो सॉक्ड हो जाए, वो खत्म हो जाए, मार्केट से कैश खत्म हो, कैश खत्म होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो भाई प्राइस घटने शुरू होंगे और वो जो इन्फ्लेशन भरी हुई है आपकी वो कॉम्बैट या कंट्रोल्ड हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन है डिफ्लेशन भाई, ठीक है, डिफ्लेशन का दौर चल रहा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा डिफ्लेशन आई हुई है, ठीक है, मंदी का दौर चल रहा है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, डिमांड ही नहीं कर रहे, इनकम ही नहीं है, तो उनके पास इनकम नहीं है तो वो आपको देंगे कहां से? तो हम यहां करेंगे क्या, पब्लिक बोरिंग को रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे? पब्लिक बोरिंग को रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, जो बॉन्ड हमने ऑलरेडी मान लो बेच रखे होंगे उन्हें वापस खरीदना शुरू कर देंगे और लोगों का पैसा वापस करना शुरू कर देंगे जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो, ठीक है, मार्केट में कैश
क्रिएट हो और लोग डिमांड करना शुरू करें, डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ने शुरू होंगे और जो डिफ्लेशन होगी, जो मंदी का दौर होगा, उसे हम कमबैक कर लेंगे या कंट्रोल्ड कर लेंगे। तो ये था आपका पब्लिक बोरोइंग। नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब इस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई को आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कनेक्ट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर से कनेक्ट करते ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना। आरबीआई से उधार लेगी गवर्नमेंट। कब उधार लेगी? खर्चा करने के लिए उधार लेगी। डेफिनेटली खर्चा करना है गवर्नमेंट को, इसलिए उधार ले रही है गवर्नमेंट के ऊपर। या फिर लोन चढ़ गए भाई, उन्होंने पिछले साल खर्चे बहुत ज्यादा कर दिए, इनकम उनकी कुछ आई नहीं, जिससे उन्हें बोरोइंग की जरूरत पड़ गई। तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई रेफर्स टू व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई टू कंपनसेट इट्स एक्सपेंडिचर। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, आरबीआई से उधार लेती है, लोन के रूप में लेती है। क्योंकि सबको पता है कि जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक तो है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी बैंक है। गवर्नमेंट के पास जब एक्स्ट्रा या सरप्लस मनी होती है तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है, और जब गवर्नमेंट को रुपए की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से फिर वो लोन भी लेती है बेटे। तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, हमें आरबीआई से उधार लेना है। कब उधार को बढ़ाएंगे और कब उधार को घटाएंगे ये देख लीजिए, ठीक है। दो सिचुएशन है अगेन आपके पास, यू हैव टू सिचुएशन, इन्फ्लेशन वी हैव एंड डिफ्लेशन वी हैव। इन्फ्लेशन एक ऐसा दौर है जब खर्च प्राइस बहुत हाई है, लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इनकम बहुत हाई है। इनकम जब लोगों के पास ऑलरेडी डिमांड बहुत हाई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो गवर्नमेंट ने अगर खर्चा कर दिया, बोरोइंग करके और खर्चा कर दिया, तो जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां इन्फ्लेशन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक तो होता है प्राइस का बढ़ना और एक होता है प्राइस का बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ना। एक होता है भाई 10 रुपए की चीज का 12 रुपए होना, एक होता है 10 रुपए की चीज का 16 रुपए या 17 रुपए हो जाना। जब 10 रुपए की चीज 16, 17 या 20 रुपए की हो जाती है तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होती है, जब इन्फ्लेशन का मैग्नीट्यूड या एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट ने अपनी और बोरोइंग को बढ़ा दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा एक तरह से, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी, गरीब मरेंगे, अमीरों के लिए फायदा होगा। तो ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट। तो अगर इन्फ्लेशन का दौर है तो गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई को रिड्यूस कर देगी, उनसे बोरो करेगी नहीं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी होगा गवर्नमेंट के पास वो भी वहां डिपॉजिट कराएगी भाई, कि हमें नहीं करना खर्चा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत आई है, हमने खर्चा कर दिया तो और ज्यादा इन्फ्लेशन आई होगी, क्योंकि खर्चा मतलब एक की इनकम, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, सबको पता है, यू नो वेरी वेल, सबको पता है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन के दौर में गवर्नमेंट अपने बोरोइंग को रिड्यूस कर देगी, खर्चों को कम कर देगी, ठीक है। खर्चों को कम करेगी भाई तो इनकम कम जनरेट होगी मार्केट के अंदर और डिफ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर है डिफ्लेशन का दौर, अगर मंदी आई हुई है मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, दे विल इंक्रीज द बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। इंक्रीज कर देगी आरबीआई से बोरोइंग को, ज्यादा से ज्यादा उधारी, ज्यादा से ज्यादा लोन लेना शुरू कर देगी, और उस लोन को लेकर, ठीक है, उस लोन को लेकर मार्केट में खर्चा करना शुरू कर देगी। खर्चा करेगी तो भाई बहुत सारे लोगों को इनकम कमाने का मौका मिलेगा, लोग इनकम कमाएंगे डेफिनेटली तो डिमांड भी हाई करेंगे भाई, डिमांड हाई करेंगे तो प्राइस बढ़ने शुरू होंगे भाई, हाई डिमांड हाई प्राइस, यू नो वेरी वेल इकोनॉमिक्स के फंडास तो आपको पता ही है, हाई डिमांड हाई प्राइस, लो डिमांड लो प्राइस, ठीक है। तो डिफ्लेशन के दौर में गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से ज्यादा उधारी लेना शुरू करेगी और खर्चा करना शुरू करेगी, ताकि मार्केट में थोड़ा पैसा जाए, जो लिक्विडिटी खत्म हुई हुई है मार्केट के अंदर, जो कैश क्रंच आया हुआ है मार्केट के अंदर, वो कैश क्रंच खत्म हो, लोगों के पास पैसा पहुंचे एक्चुअली में, लोग खर्च करना शुरू करें, और जो ये डिफ्लेशन की सिचुएशन है इसे हम कॉम्बैट इजिली कर लें बेटे। तो ये थे आपके मेजर्स टू करेक्ट द डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। इसका पहला मेजर जो था फिस्कल पॉलिसी, ये मैंने आपको पढ़ाया, और इसका जो सेकंड मेजर है मॉनेटरी पॉलिसी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, ताकि आपको कुछ समझ आए। और इस वीडियो को प्लीज देखिए डेली, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज, प्लस टू क्लास है, बहुत रिस्पॉन्सिबल क्लास होनी चाहिए, बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए इसके प्रति। तो ये फिस्कल पॉलिसी थी आपकी, ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करने की। थैंक यू वेरी much.